हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 की नीलामी हम सभी को 18 फरवरी को चेन्नई में देखने को मिलेगी और इसके साथ ही ट्रेड के लिए बीसीसीआई ने फाइनल डेट जो फाइनलाइज की है वो है 4 फरवरी तक। इसके साथ ही इस करेंटली ट्रेड विंडो को लेकर आने वाले ट्रेड्स को लेकर चार बड़ी टीमों ने चार बड़े जबरदस्त ऐलान हमारे सामने कर दिए हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कौन से चार बड़े फैसले, चार बड़ी घोषणाएं टीमों की तरफ से हुई हैं। लेकिन गाइज, पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हमारी सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के मोहम्मद नबी की तरफ से। अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर एक्टिव हैं तो हम आपको पिछले काफी दिनों से बता रहे हैं कि मोहम्मद नबी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि उनको ट्रेड विंडो में आने के लिए परमिशन दे दी जाए, क्योंकि नबी का मानना है कि पिछले 2 साल से वो सनराइजर्स हैदराबाद की बेंच पर ही बैठे रहते हैं। काफी ज्यादा मुश्किल उनके लिए इस टीम में जगह पाना है, क्योंकि उनसे ऊपर जॉनी बैरिस्टर और केन विलियमसन को चांस देने के लिए ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम दिक्कतों में घिरी रहती है। तो ऐसे में उनको लगता है अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। हालांकि गाइज, मोहम्मद नबी का अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है एसआरएच के साथ में, जिसको वो खुद तोड़ नहीं सकते, यानी कि खुद वो इस टीम को लीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच मोहम्मद नबी को अब 3 बड़ी टीमों की तरफ से ट्रेड का ऑफर दिया जा चुका है, जिसमें नाम निकल कर आता है चेन्नई सुपर किंग्स का। इनके साथ ही मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब, तीनों ही टीमें मोहम्मद नबी को अपनी टीम में एसआरएच से ट्रेड करना चाहती हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के मैनेजमेंट की साइड से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग निकल कर नहीं आई है। अगर ऐसी कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल गाइज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। और गाइज, ये अपडेट निकल कर आ रही है जेसन रॉय की तरफ से। जेसन रॉय की बात की जाए तो लास्ट बार के आईपीएल में इन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से पुल आउट कर दिया था, लेकिन इसके बाद ये क्लियर कर चुके हैं कि इस बार ना सिर्फ ये आईपीएल की नीलामी में नाम देंगे, 2 करोड़ रुपए इनका बेस प्राइस रखा गया है। इसके साथ ही इन्होंने बता दिया है कि पूरे आईपीएल में अवेलेबल रहेंगे। और गाइज, ऑलरेडी जेसन रॉय को 2 बड़ी टीमों के द्वारा कॉन्टेक्ट किया जा चुका है। पहले नंबर पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का और दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है आरसीबी की टीम का। डीसी की टीम ने इनको लास्ट बार भी पिक किया था क्योंकि इनके टीम के कॉम्बिनेशन में फिट बैठते हैं। और अगर आरसीबी की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम एरन फिंच के रिप्लेसमेंट के तौर पर और एक टॉप ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन के तौर पर जेसन रॉय को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में ट्रेड विंडो को लेकर। और ये अपडेट निकल कर आ रही है डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस की तरफ से। एमआई के कोच महेला जयवर्धने ने स्टेटमेंट दी है कि मुंबई इंडियंस की टीम ट्रेड विंडो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने बताया है कि इनका जो स्क्वाड है, इन्होंने अच्छे खासे प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है, तो ऐसे में इनको कोई भी जरूरत नहीं है, ना तो इनको ऑक्शन की ज्यादा जरूरत है और ना ही इनको किसी प्लेयर को ट्रेड करने की जरूरत है। उन्होंने बता दिया है कि नीलामी में सिर्फ 2 से 3 प्लेयर्स हैं जिनको एमआई की टीम टारगेट करेगी, उसके अलावा बाकी इनकी टीम पूरी सॉर्टेड है। बैटिंग, बॉलिंग और उसके साथ ही ऑलराउंडर, तीनों ही डिपार्टमेंट में मुंबई इंडियंस की टीम काफी ज्यादा सेटल्ड है, तो एमआई की टीम ने बैकआउट कर लिया है ट्रेड विंडो से। इसके साथ ही जो बाकी टीम है एमआई की टीम से प्लेयर ट्रेड करना चाहती थी, उनको भी अब यहां पर छोटा सा झटका जरूर लगा है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। ट्रेड विंडो के दौरान ही केकेआर की टीम की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आई है कि शायद ये शुभमन गिल को अपना अगला वाइस कैप्टन बना सकते हैं। गिल ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया ऑस्ट्रेलिया में अंडर प्रेशर, कितने ज्यादा वो काम रहे, इसके साथ ही केकेआर की साइड से भी लगातार उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो केकेआर की टीम एक इंडियन कैप्टन में इन्वेस्ट करना चाहती है फ्यूचर। और उसके लिए पहले वो शुभमन गिल को डायरेक्टली कैप्टन नहीं बनाना चाहते, पहले वो उनको वाइस कैप्टनसी देना चाहते हैं। तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में आपको इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग शुभमन गिल को केकेआर का वाइस कैप्टन बनते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।